After the successful response of retailers into the market relating to Realtel IPO, the market and retailers are set to witness another magic from another upcoming IPO into the market with the name of Heranba Industries Limited. ये एक ऐसी कंपनी है जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी, गुजरात में इनकी स्थापना हुई थी। आज की डेट में गुजरात के वापी नाम के डिस्ट्रिक्ट में इनकी तीन मेजर यूनिट्स हैं। बात करूं अगर R&D फैसिलिटीज की तो सरीगाम नाम की जगह पे अभी इन्होंने न्यूली इंट्रोड्यूस करी अपनी एक तीसरी R&D की फैसिलिटी। क्या करती है ये कंपनी, काम कैसे रहने वाला है इस IPO से रिलेटेड मार्केट में डिटेल्स, क्या आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, स्ट्रेंथ्स क्या क्या रहने वाली है और किन किन जगहों पर आपको फोकस करने की जरूरत है, आज इस पूरी वीडियो में आपको एंड टू एंड जानने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज गुप्ता ने आपका स्वागत करता हूं फंड्सफाई की ओर से। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि आखिर ये काम क्या करती है। दोस्तों हरनबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो बेसिकली काम है वो क्रॉप प्रोटेक्शन के सॉल्यूशंस में मैन्युफैक्चरिंग करना है, जैसे कि हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, इन सबसे रिलेटेड जितने भी क्रॉप की प्रोटेक्शन के लिए केमिकल्स यूज करे जाते हैं ये कंपनी उन्हें मैन्युफैक्चर करती है। भारत में ही इनके ऑलमोस्ट 8,600 से ज्यादा डीलर्स अवेलेबल हैं। इनका नेटवर्क 16 डिफरेंट स्टेट्स में अवेलेबल है और एक यूनियन टेरिटरी में। इसके अलावा बात करी जाए एक्सपोर्ट्स की तो 60 से भी ज्यादा कंट्रीज में ये अपने माल को बेचते हैं। कमाल की यूटनेस है, लगातार ये कंपनी ग्रो करती चली जा रही है। 450 करोड़ के इसके एसेट्स हुआ करते थे मार्च 18 के फाइनेंशियल्स में, वो जो कि अब बढ़कर ऑलमोस्ट 790 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं सितंबर के फाइनेंशियल्स में, जो उन्होंने लेटेस्ट अपने DRHP में अवेलेबल करवाई है फिगर्स। इनका रेवेन्यूज लगातार मल्टीफोल्ड होते चले जा रहे हैं और इसके प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो मार्च 18 में जो इसने प्रॉफिट शो किया था, पिछले 6 महीने के अंदर अंदर ही उन्होंने इस प्रॉफिट को बीट कर दिया है। तो यकीनी तौर पर यह कंपनी काफी अग्रसर होकर बढ़ती हुई दिख रही है। इस कंपनी के प्रमोटर्स की दोस्तों बात करी जाए तो शेट्टी ग्रुप ऑफ पीपल इसको रन करते हैं। रघुराम शेट्टी और शिवा शेट्टी इनके मालिक हैं, ये इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं और ये एक फैमिली ओन्ड बिजनेस ही है। आज की डेट में जो इनकी प्रमोटर की होल्डिंग है यहाँ पे वो ऑलमोस्ट 98% की है। IPO आने के बाद इनकी प्रमोटर की होल्डिंग रिड्यूस होकर 74% तक पहुंच जाएगी। नाउ बिफोर यू मेक अप योर माइंड वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट टू इन्वेस्ट इनटू दिस कंपनी, यू नीड टू नो द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स ऑफ दिस कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं इनके प्रोडक्ट लाइन के बारे में। दिस कंपनी ऑफर्स यू अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स विद डिफरेंट पोर्टफोलियोज ऑल टुगेदर, चाहे इंटरमीडिएट की बात करें, चाहे फॉर्मुलेशन की बात कर लीजिए, चाहे न्यू रेसिडुअल के क्रॉप सॉल्यूशन। ये कंपनी आपको काफी ज्यादा यहाँ पे एक डाइवर्सिफाइड किस्म का पोर्टफोलियो ऑफर करती है, जिसमें आप जो मन चाहा प्रोडक्ट अपनी क्रॉप्स को सॉल्यूशन के तौर पे, बचाने के तौर पे यूज करना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा इस कंपनी की जो प्रेजेंस है वो काफी ज्यादा वाइड स्प्रेड है, चाहे डोमेस्टिक एक्सपोजर की बात कर ली जाए या फिर इंटरनेशनल, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हर जगह पे रेडिली अवेलेबल है। तीसरा, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। जैसा कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी इनके जो डीलर्स अवेलेबल है इंडिया लेवल पे, दैट इज मोर देन 8,600। ये अपने आप में काफी बड़ा नेटवर्क है। इसके अलावा इसमें एक और जो बहुत अच्छी कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ आ जाती है वो ये कि इनकी जो टीम है वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है। ये लोग जो एज अ प्रमोटर काम कर रहे हैं काफी टाइम से इस वाले बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे एक अच्छी कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ इस रूप में भी निकल कर आती है। इन फैक्टर्स को आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए बिफोर यू प्लान टू इन्वेस्ट इन टू दिस कंपनी। अब दोस्तों बात करते हैं हेरनबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के IPO की डिटेल्स के बारे में। दिस IPO इज गोना बी लॉन्चिंग ऑन 23rd of February। 23 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक आप इसके अंदर आवेदन भर सकते हैं। विद दिस पर्टिकुलर IPO दे आर प्लानिंग टू रेज 625 करोड़ रुपीज। मार्केट से उठाने की पूरी पूरी तैयारी है, जिसमें इनका फ्रेश इश्यू का अमाउंट रहेगा 60 करोड़ का, बाकी सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है। आपका जो फ्लोर प्राइस रहेगा हर एक इक्विटी शेयर का वो 626 रुपए है। हायर ब्रांड प्राइस उन्होंने फिक्स किया है 627 रुपए का। ऑल यू नीड टू इंश्योर इज दैट यू टिक ऑन द कट ऑफ बटन व्हाइल सिलेक्टिंग द IPO इशू एप्लीकेशन साइज। आपको एक लॉट लेना है, चाहे आप 14 के लिए चले जाएं, कट ऑफ पे टिक करना जरूर इंश्योर कर लीजिएगा, ताकि जिस भी प्राइस पे वो लॉन्च होता है आपको उसमें मिलने के चांसेस प्रॉपर तरीके से बढ़ जाए। इस पर्टिकुलर IPO के साथ साथ ही एक जो अच्छी चीज निकल कर रही है दोस्तों, ये कि इनके करंट फाइनेंशियल्स में जो इन्होंने अभी अर्निंग रिफ्लेक्ट करी है उसकी वजह से जो इनका PE रेशियो निकल कर आ रहा है दैट इज बिलो 20।
इनकी इंडस्ट्री का ओवरऑल जो अभी पीई चल रहा है वो 20 से थोड़ा ज्यादा ही है, तो डेफिनेटली इट इज अ फेयरली वैल्यूड इशू अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो। और लास्ट में दोस्तों बात आती है लॉट साइज की। मिनिमम इसमें एक लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपको 23 शेयर्स मिलेंगे, और मैक्सिमम आप 13 लॉट्स के लिए जा सकते हैं अगर आप रिटेल कैटेगरी में अपने आप को बुक करते हैं। वहां पे जो आपके नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे वो होंगे 299। ये मैक्सिमम आपका रेंज रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि इसी तरीके से मैं लगातार इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए ला सकूं। मेरे और फंस पाई की तरफ से आप लोगों को नमस्कार।